मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आजकल हमारे देश में हर चीज़ नकली मिलने लगी है, चाहे वो खाने की पीने की चीज़ें हो या फिर कोई और। ऐसे में आम इंसान समझ नहीं पाता है कि आखिर कौन सा असली है और कौन सा नकली है। कुछ ऐसा ही नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले को भिवंडी नारकोली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि भिवंडी के HB इलेक्ट्रॉनिक में नकली TV, लैपटॉप, पेन ड्राइव बेचे जाते हैं, जिसके बाद इस दुकान के मालिक आरोपी अजय वाल्मीकि सिंह को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में अजय ने बताया कि सोनी, सैमसंग, LG जैसे ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर लगाकर नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचा करता था। अजय वाल्मीकि डोंबिवली का रहने वाला है, मगर ये अपनी दुकान भिवंडी में चलाता है। यहाँ पर ये खुद TV, लैपटॉप बनाकर उसमें ब्रांडेड कंपनियों के लेबल लगाकर महंगे कीमत में बेचा करता था, मगर अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने इसके पास से 60 TV बरामद की है। इसके अलावा लैपटॉप, TV रिमोट और ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद की हैं, जिसकी कीमत 5,51,500 रुपये बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ 420, 468, 471, 473 कॉपीराइट एक्ट 51, 53, 63 के साथ ही ट्रेडमार्क एक्ट 73, 74 के तहत मामला दर्ज कर 25 तारीख तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।